सब्सक्राइब कीजिए वैदिक ज्योतिष चैनल को और साथ ही बेल आइकन भी दबा दी ताकि नए वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। जय संतोषी माँ। दोस्तों स्वागत है आपका वैदिक ज्योतिष में। जानते हैं आज क्या कहती है आपकी राशियाँ, कैसा रहेगा आपका दिन। शुरुआत करते हैं आज के सुविचार से। जिंदगी में सफलता कभी भी पक्की नहीं होती और असफलता कभी भी अंतिम नहीं होती, इसलिए आप अपनी कोशिश को तब तक जारी रखो जब तक आपकी जीत एक इतिहास ना बन जाए। मिले हुए समय को ही अच्छा बनाएं। अगर अच्छे समय की राह देखेंगे तो पूरा जीवन कम पड़ जाएगा। आलोचना में छुपा हुआ सत्य और प्रशंसा में छुपा हुआ झूठ यदि मनुष्य समझ जाए तो आधी समस्याओं का समाधान अपने आप हो जाएगा। आज का पंचांग 12 नवंबर 2021 दिन शुक्रवार, कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष के नौवीं तिथि, सुबह 5:31 तक रहेगी। इसके उपरांत दशमी तिथि प्रारंभ हो जाएगी। धनिष्ठा नामक नक्षत्र दोपहर 2:53 तक रहेगी। इसके उपरांत शतभिषा नामक नक्षत्र प्रारंभ हो जाएगी। आज का राहु काल अर्थात दिन का सबसे अशुभ समय सुबह 10:30 से 11:33 तक रहेगा। आज का अभिजीत मुहूर्त अर्थात दिन का सबसे शुभ समय सुबह 11:50 से 12:33 तक रहेगा। आज चंद्रमा कुंभ राशि पर संचार करेगी और आज सूर्य तुला राशि पर रहेंगे। मेष राशि 12 नवंबर 2021 दिन शुक्रवार, आज आप बिना किसी कारण के जिद्दी बने हुए हैं और सबके कहने या अपने मन की भी नहीं सुनना चाहते। आपको यह समझना है कि इस रवैये से आपको कुछ हासिल नहीं होगा। आपको अपनी वर्तमान समस्याओं से पार पाने के लिए अपने दिल और दिमाग को खुला रखना होगा। आपका सकारात्मक दृष्टिकोण परिवार व सामाजिक गतिविधियों में उचित व्यवस्था बनाकर रखने में सहायक होगा। पारिवारिक सदस्यों तथा रिश्तेदारों के साथ संबंध और अधिक बेहतर बनेंगे। बच्चों की ओर से कोई शुभ समाचार मिलने से घर में प्रसन्नतापूर्ण वातावरण रहेगा। काम और करियर के लिए समर्पण का भाव रखें। खर्चे अधिक होने की वजह से पैसों से संबंधित योजना बनाने पर ध्यान दें। आर्थिक कामों में ज्ञान प्राप्त करने की कोशिश करें, इसके कारण जीवन में स्थिरता मिल सकती है। करियर संबंधित लक्ष्य के बारे में जानकारी प्राप्त होने की वजह से विश्वास बना रहेगा। पार्टनर की कुछ बातों के संबंध में जिद ना करें। तला हुआ खाना अधिक खाने से तकलीफ हो सकती है, ध्यान रखें। शारीरिक शिथिलता अधिक अनुभव कर सकते हैं। नई जिम्मेदारियां भी आपको मिल सकती है। विचारों में बिखराव भी रह सकता है। सावधानियां, इस बात का ध्यान रखें कि कहीं भी हस्तक्षेप ना करें क्योंकि इसका दुष्प्रभाव आपके ऊपर ही आएगा। प्रॉपर्टी संबंधित किसी कार्य में रुकावट आ सकती है जिसकी वजह से टेंशन रहेगी, परंतु इस समय धैर्य बनाकर रखना ही उचित है। बात करते हैं लव लाइफ की। पति पत्नी आपसे सहयोग द्वारा घर की किसी समस्या को सुलझाने में सक्षम रहेंगी। दोस्तों के साथ भी कोई फैमिली गेट टुगेदर होगा। आप जितना समय अपने पार्टनर को देना चाहते हैं अपने व्यस्त शेड्यूल तथा कई बाहरी कारणों के चलते उतना समय नहीं दे पाएंगे। आपका अधिकतर समय अपनी प्रोफेशनल कमिटमेंट पूरे करने में ही निकल जाएगा। अपनी भावनाएं अपने पार्टनर को बताना ना भूलें और आप पाएंगे कि वह आपकी सोच से भी कहीं अधिक समझदार है। बात करते हैं करियर की। चुनौतीपूर्ण समय खत्म हो गया है। आपने सफलतापूर्वक बाधाओं को पार कर लिया है जो भी भाग्य ने आप पर फेंके थे, इसलिए बहुत आवश्यक है कि आप अपने को शांत बनाकर रखें। इसके अलावा आप आराम करने की मुद्रा में आ सकते हैं क्योंकि कार्य का दबाव आपके कार्यस्थल पर काफी कम हो गया है। अच्छा कार्य प्रदर्शन आपके वित्तीय लाभ का मार्ग भी खोलेगा। लंबी अवधि के निवेश में पैसे का निवेश करने के लिए ये एक अच्छा समय है। इस समय प्रतिस्पर्धा के माहौल में बहुत अधिक मेहनत तथा समय लगाने की जरूरत है। इस समय आपकी योजनाएं और कार्यशैली आपकी व्यवसाय को और अधिक गति प्रदान करेगी। नौकरी पेशा व्यक्ति अपने फाइलें तथा दस्तावेज पूरी तरह व्यवस्थित करके रखें। बात करते हैं सेहत की।
गैस व कब्ज की शिकायत रहेगी। आपको यह समझना होगा कि आपको स्वस्थ रहने और युवा दिखने के लिए जंक फूड से दूरी बनानी होगी। आप पिछले कुछ दिनों से सामान्य से भी अधिक जंक फूड का सेवन कर रहे हैं। आपको तुरंत खुद पर नियंत्रण करना होगा। आज ही अपने मेन्यू से जंक फूड हटा दें, इसके स्थान पर खूब फाइबर युक्त खाना खाएं। आज का उपाय, आज आप माँ लक्ष्मी के मंदिर में लाल रंग के फूल अर्पित करें, शुभ रहेगा। जीवन में हमेशा सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़ते रहें। आपका दिन शुभ हो।